नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल बुधवार, सीकर, कोटा और भीलवाड़ा की खास खबरें। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के रोरू छोटी गांव में आपसी विवाद होने पर सुरेंद्र नामक युवक ने फायरिंग कर दशरथ सिंह को घायल कर दिया। फायरिंग के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ थाना अधिकारी राम मनोहर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल युवक को SK अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के एक गोली पेट में व दूसरी गोली बाजू में लगी है। सीकर जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दादिया और रामगढ़ शेखाटी इलाके में तीन तीन, नीम का थाना सदर और पाटन थाने में एक एक, थोई खंडेला व श्री माधोपुर में दो दो मामले दर्ज किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर सीकर शहर कोतवाली और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने स्वयं प्रेरणा से मामला दर्ज किया है। सीकर जिले में वाहनों के खिलाफ कार्रवाई देखें तो इस अवधि में पुलिस ने 1732 वाहनों के चालान किया है, जबकि 2498 वाहनों को जब्त किया गया है। इस दौरान पुलिस ने 6,20,100 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। लॉकडाउन के बीच सीकर आबकारी विभाग ने जिले की 308 शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस धारकों से दुकान खोलने के लिए लोकेशन की अनुमति लेना शुरू कर दिया है। आबकारी विभाग ने अभी तक 16 अंग्रेजी व 72 देसी मदिरा की दुकानों की लोकेशन की अनुमति दी है। जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया ने बताया कि विभाग लाइसेंस धारकों से दुकान खोलने के लिए जगहों की सूची ले रहा है। कोटा के लिए राहत की खबर आई है। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि कोटा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेट जोन में सोमवार तक कोटा व झालावाड़ जिले के कुल 63 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। इनमें 49 कोटा व झालावाड़ के, 14 मरीज हैं। इनमें से 27 उपचार के दौरान ठीक हो गए, जिसमें से 11 मरीजों की दूसरी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसमें से 5 मरीज झालावाड़ के शामिल हैं, वहीं 16 मरीज की रिपोर्ट पहली बार में नेगेटिव आई है, जिसमें 8 झालावाड़ के शामिल हैं। कोटा शहर में 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं लोगों की ज़रूरत का सामान खत्म होने लगा है। ऐसे में जिला कलेक्टर ओम कसेरा ने कहा है लोगों को की राशन सामग्री की मांग को देखते हुए होम डिलीवरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि घर घर जाकर सामानों का वितरण शुरू किया जाए। इसमें गेहूँ पीसने की चक्कियाँ बंद होने पर उनको आटा दिया जाए। कोटा में पुलिस का मानवीय चेहरा नजर आया है। लॉकडाउन में आमजन पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकारी मशीनरी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। कोरोना की जंग के असल योद्धा महावीर नगर थाना पुलिस, जो सामाजिक सरोकार की भूमिका भी निभा रही है। थाना प्रभारी पवन मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से प्रभावित थाना क्षेत्र के तहत आने वाले हरिओम नगर, कच्ची बस्ती समेत मजदूर, जरूरतमंद परिवार, फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारा लोगों के लिए प्रतिदिन जन सहयोग से भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जन सहयोग से चल रही भोजनशाला थाना परिसर में ही संचालित हो रही है। भीलवाड़ा की राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने लॉकडाउन के बाद टेक्सटाइल उद्योग को लेकर चिंताएं राज्य सरकार के समक्ष रखी। चेयरमैन SN मोदानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख रियायतें मांगी। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का वेतन देने जैसी समस्याओं का जिक्र किया। गुहार लगाई कि नियोजक की ओर से 2,500 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने के निर्देश जारी करें। उधर मेवाड़ चैम्बर अध्यक्ष JK बागडोरिया ने वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों को बताया कि कपड़ा मंत्रालय ने टफ अनुदान भुगतान के लिए इकाइयों से अनुदान। भीलवाड़ा की सुभाष नगर पुलिस ने नॉनवेज पार्टी के दौरान पार्षद की आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर रामा खाती को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पार्षद और उसके साथी को एक दिन पूर्व गिरफ्तार कर जमानत दे दी थी। थाना प्रभारी नवनीत व्यास ने बताया कि रमा विहार निवासी हिस्ट्री शीटर रमा खाती को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.